दोस्तों, अगर आप भी शशांक सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को ग्रेट फिनिशर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता को कुचलकर पंजाब ने रचा इतिहास, तो प्रीति जिंटा ने मनाया दीपावली की तरह ऐसा जश्न, मानो पंजाब ने आईपीएल ही जीत लिया हो। तो अब न केवल प्रीति ने खुद बैरिस्टरों से लेकर शशांक को पर्सनली मुलाकात कर बधाई दी, बल्कि उन पर करोड़ों रुपए की बरसात करते हुए अब एक ऐसा स्पेशल तोहफा अपने खिलाड़ियों को देने का ऐलान किया, जिसे सुनकर आप भी प्रीति जिंटा की दरिया दिली के मुरीद हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा प्रीति ने अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए, आखिर ऐसा कौन सा अवार्ड देने वाली कही उन्होंने, इनका बयान भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंजाब के आईपीएल 2024 की चैंपियन बनेगी? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आईपीएल की कोई अनएक्सपेक्टेड टीम रही है तो वह पंजाब किंग्स है, जो जीते हुए मुकाबले भी हार जाती है और ऐसे ऐसे मुकाबले में पलटकर हार जाती है जिसमें जीत की कोई उम्मीद भी नहीं होती। ऐसा ही कुछ उन्होंने 26 अप्रैल 2024 के दिन कर दिखाया, जहां अब इस दिन को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जा चुका है। तो आखिर हो भी क्यों ना, कोलकाता और पंजाब के बीच खेले गए ईडन गार्डन के मुकाबले में जो हुआ वह पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज पैकेज की तरह था। और इस मुकाबले में बैट्समैन का ऐसा एक छत्र राज रहा, चौके छक्कों की ऐसी सुनामी आई जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले दबाने पर उंगलियां मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पहले कोलकाता के बल्लेबाजों ने तहलका मचाते हुए 261 रन बना डाले। उसके बाद उन्हें लगा कि अब तो आसानी से जीत जाएंगे, उन्होंने तो जीत का जश्न मनाना ही शुरू कर दिया। लेकिन अब जब पंजाब सामने हो तो जीत का जश्न मनाना कितनी बड़ी भूल है, यह पंजाबियों ने साबित कर दिखाया। फिर वरिष्ठों के साथ प्रभसिमरन ने ऐसी तबाही मचाई कि कोलकाता के मैदान को कोलकाता की टीम का कब्रगाह बनाकर रख दिया। हर एक गेंदबाज को इतनी बेनामी से कूटा कि प्रभसिमरन 54 और जॉनी बेयरस्टो 48 गेंद पर 108 रनों की खौफनाक पारी खेल गए। और अंत में आकर पूरी महफिल शशांक ने केवल 28 गेंद पर 8 खौफनाक छक्कों से सजी 68 रन की पारी लूट ली। कोलकाता के फैंस क्या शाहरुख खान को खुद आंसू रुलाते हुए अपनी टीम को 8 गेंद शेष रहते मैच में चैंपियन बनाया और कोलकाता के मैदान पर पंजाब के नाम का झंडा गाड़ दिया, जिस पर भरोसा करना अभी भी बहुतों के लिए मुश्किल था, क्योंकि पंजाब की टीम ने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ये आईपीएल के 17 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड चेज था और भविष्य में शायद ही ऐसा दोबारा कभी कोई कर पाए। यहाँ तक कि पंजाब के फैन जश्न मना रहे थे, वहीं पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा तो मानो ऐसे झूम रही थी जैसे पंजाब आईपीएल चैंपियन ही बन गई हो। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अपनी टीम की बैकबोन बनकर खड़ी रहने वाली प्रीति जिंटा को जैसे ही उनकी टीम ने जीत का खास तोहफा दिया, उनकी खुशियां साथ हुए आसमान पर पहुंच गई। वह जश्न मनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रही है और स्टैंड से उन्होंने अपने खिलाड़ियों के लिए तालियां और सीटियां बजाई है। और जैसे ही पंजाब मुकाबला जीती, दौड़ते हुए वह मैदान में आती और अपने सभी खिलाड़ियों को गले लगाकर उनसे हाथ मिलाकर उन्हें बधाई देती हैं। बैरिस्टो से उन्होंने मुलाकात की, शशांक की उन्होंने जमकर तारीफ की और उन्होंने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए अपने खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। जी हाँ, प्रीति जिंटा का यह बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें उनका कहना है कि अनबिलीवेबल, वाह, क्या ही कहूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज जो हुआ उसने इतिहास लिखा है। मुझे गर्व अपनी टीम पर, अपने खिलाड़ियों पर, उन्होंने हमारी जीत का परचम लहराया है। मैं उन सभी के इस धमाकेदार प्रदर्शन की बधाई देना चाहता हूँ। बैरिस्टो प्रभसिमरन, शशांक, ये सभी हीरो हैं। मेरे दिल में आज इन सबके लिए रिस्पेक्ट और इज्जत कई गुना बढ़ गई है। मुझे लगता है कि ऐसे तो हम आसानी से आईपीएल जीत जाएंगे, हमें रोकेगा ही कौन। अब इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद इनाम देना तो बनता है। इन सबको मैं एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा जो इन सबके लिए सरप्राइज है। इन्हें इतनी मेहनत करने का फल तो मिलना ही चाहिए। बहुत अच्छे, ऐसे ही खेलते रहो और पहली बार आईपीएल तो ट्रॉफी पंजाब के घर लाओ। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे प्रीति जिंटा ने अब इन सबको सरप्राइज गिफ्ट देने का ऐलान किया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, पंजाब और कोलकाता में से कौन से अब से पहले आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।